हेलो एवरीवन, नॉलेज नेशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, कल हमने स्टार्ट किया था बायोलॉजी सेशन, जो कि नीट AIPMT किसी भी मेडिकल एग्जामिनेशन या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। कल के एपिसोड में हमने पढ़ा कि लिविंग थिंग्स क्या हैं, वो चीज़ें जो सांस ले सकती हैं, खा सकती हैं, ग्रो कर सकती हैं, रिप्रोड्यूस कर सकती हैं या फिर उनके अंदर सेंसेस होती हैं, वो चीज़ें लिविंग थिंग्स के अंडर आती हैं, और जो चीज़ें ऐसा नहीं कर सकती वो चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। अब कल हमने ये जाना कि लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। लिविंग थिंग्स के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं: ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर क्लासिफिकेशन एंड कॉन्शियसनेस। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े: नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आते हैं ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्वालिटीज़ जो हैं वो लिविंग थिंग्स के साथ साथ नॉन लिविंग थिंग्स में भी देखने को मिलती हैं, या फिर इन दोनों में से कोई एक या दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ लिविंग थिंग्स में नहीं भी मिलेंगी। अब डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर मेटाबॉलिज्म, सेलुलर क्लासिफिकेशन एंड कॉन्शियसनेस आते हैं। क्यों? क्योंकि ये तीनों क्वालिटीज जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स में ही आपको मिलेंगी, नॉन लिविंग थिंग्स में आपको नहीं मिलेंगी। तो चलिए अब आज का ये एपिसोड हम शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ग्रोथ के बारे में। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आज हम बात करेंगे लिविंग थिंग्स के फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रोथ के बारे में। जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ हाइट या साइज की बात कर रहे हैं। ग्रोथ का मतलब है ओवरऑल ग्रोथ, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ग्रोथ भी हो सकते हैं, और ग्रोथ का मतलब नंबर्स में भी ग्रो करना हो सकता है। ग्रोथ के दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर्स। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। अब आप एक एग्जांपल ले लो, बैक्टीरिया जो होते हैं वो नंबर्स में ग्रो करते हैं, वो हाइट में या साइज में ग्रो नहीं करते हैं, वो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और इस तरीके से वो बढ़ते हैं। आपके नॉन लिविंग थिंग्स में हो गए आपके नेल्स, वो आपके साइज में ग्रो करते हैं, वो आपकी इनकी हाइट नहीं बढ़ती है, ये साइज में ग्रो करते हैं। चलिए डिटेल में समझ लेते हैं ग्रोथ इन लिविंग थिंग्स। ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट्स जो है वो सेल डिवीजन के ऊपर बेस्ड ग्रो करते हैं, मीन्स उनके अंदर जो है सेल डिवीजन के कारण ग्रोथ होता है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट, अमीबा एट्सेट्रा ग्रो इन नंबर्स। मतलब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मतलब हो गया यीस्ट हो गया, अमीबा हो गया, आपका बैक्टीरियाज हो गए, वो चीज़ें जो है वो नंबर्स में ग्रो करती हैं, वो चीज़ें साइज में ग्रो नहीं करती हैं, वो मैंने आपको बता दिया। अब ह्यूमन और एनिमल्स जो है उनमें विजिबल ग्रोथ जो है एक सर्टेन एज तक देखने को मिलता है। विजिबल ग्रोथ कहने का मतलब ये है कि उनकी हाइट का बढ़ना या उनके साइज का बढ़ना, ये हम आँखों से देख सकते हैं उनके ग्रोथ को। ये ग्रोथ जो है वो एक सर्टेन एज तक ही रहती हैं। एक सर्टेन एज के बाद इंसान और जानवर दोनों ही बढ़ना बंद कर देते हैं, इंसानों की हाइट रुक जाती है और एनिमल्स जो है बड़े होना बंद कर देते हैं, छोटे से वो साइज में बड़े होते हैं वो होना बंद कर देते हैं। लेकिन सेल्स जो हैं वो उनके अंदर डिवाइड होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सेल्स जो हैं वो ओल्ड सेल्स या फिर लॉस्ट सेल्स को रिप्लेस करने के लिए, कहीं आपको अगर मान लो चोट लग गई तो वहाँ के सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। आपकी चोट कैसे ठीक हो जाती है? जब नए सेल्स बनते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं सेल्स डिवाइड होना वो लाइफ टाइम चलते रहते हैं ह्यूमन एंड एनिमल्स में, लेकिन विजिबल ग्रोथ जो है वो एक सर्टेन एज तक ही देखने को मिलती है। अब प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में जो है वो सेल डिवीजन जिंदगी भर चलते रहते हैं, उनके प्लांट्स ग्रो करते जाते हैं। आप देख लो पेड़ जो है वो छोटे से बड़े से बड़े से बड़े वो बड़े होते चले जाते हैं, जब तक कि वो पेड़ मर नहीं जाते या फिर उनको काट नहीं दिया जाता। प्लांट्स में सेल डिवीजन लाइफ टाइम होते रहते हैं। अब देख लेते हैं
नॉन लिविंग थिंग्स जो है ग्रो करते हैं. कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. आप यहाँ पर इमेजेस में देख रहे हो माउंटेन्स हैं, हेयर है, नेल्स है और ग्लेशियर्स है. ग्लेशियर्स मतलब बर्फ के चट्टान. ये चीज़ों जो है वक्त के साथ ग्रो करती हैं और नहीं भी करती हैं, कम भी हो जाती हैं. माउंटेन्स वक्त के साथ ग्रो होते जाते हैं. कुछ चट्टान, कोई एक्सटर्नल चट्टान जो है वो आकर के दूसरे चट्टान पे गिर गया, उसके बाद जो है वो एक कुछ सालों के बाद उसी का हिस्सा हो जाते हैं, तो वो पहाड़ का रूप ले लेते हैं. अब आपके नेल्स हो गए, वो भी साइज में बढ़ते हैं, आप काट दो वो फिर बढ़ जाते हैं. उसी तरीके से आपके बाल हैं. ग्लेशियर्स जो हैं वो ठंड के दिन में बढ़ जाते हैं चट्टान, फिर गर्मी आते ही धूप से वो थोड़े से पिघल जाते हैं, फिर वक्त आता है, फिर ठंड का मौसम आता है, वो वापस से बढ़ जाते हैं. तो ये हो गए ग्रोथ इन नॉन लिविंग थिंग्स. इस सेशन में हमने जाना कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ. मीन्स किसी चीज़ का ओवरऑल बढ़ना या फिर नंबर्स में बढ़ना, ये ग्रोथ के दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, मीन्स लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों ही ग्रो करते हैं. ये क्वालिटीज आपको दोनों के अंदर मिलेंगी, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया. ह्यूमन एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रो बाई सेल डिविजन, वाइल यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट अमीबा ग्रो इन नंबर्स. मीन्स ह्यूमन्स एनिमल्स या फिर जो प्लांट्स होते हैं वो सेल डिवीजन के आधार पर ग्रो करते हैं, जबकि यीस्ट अमीबा या बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म वो जो हैं वो नंबर्स में ग्रो करते हैं. अब ह्यूमन और एनिमल्स में जो विजिबल ग्रोथ होता है, जैसे कि हाइट और साइज होगा, वो एक पर्टिकुलर एज तक ही उनके अंदर देखने को मिलती है, उसके बाद वो ग्रोथ जो है रुक जाती है. लेकिन सेल्स जो हैं वो डिवाइड होते रहते हैं, वो ओल्ड सेल्स को रिप्लेस करने के लिए या फिर लॉस्ट सेल्स की जगह को लेने के लिए. प्लांट्स में ग्रोथ होते रहते हैं सेल डिवीजन के ही बेस पर, लेकिन वो थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन मतलब जिंदगी भर होते रहते हैं. जब तक प्लांट जिंदा है तब तक उनमें सेल डिवीजन होते रहते हैं. आज के लिए बस इतना ही. आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं. साथ में हमें खबरी और यूट्यूब चैनल पर फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि हम आगे ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर आते रहेंगे, क्योंकि देर इज़ नॉलेज फॉर नॉलेज.